देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें, पहली चीज़ कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, ये कंपटीशन ही है जो मार्केट को एकदम रेवोल्यूशनाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारी फ़ोन इंडस्ट्री, किसी ने नहीं सोचा था कि शाओमी पोको 845 के साथ 20,000 प्राइस रेंज में लॉन्च करेगी, और तो और 675 शाओमी ने रेडमी नोट 7 प्रो में दिया जो कि बहुत ही अच्छे रेट पर अवेलेबल है, और अब Realme 3 Pro जो कि Snapdragon 710 के साथ आता है और वो भी लगभग 14,000 की रेंज से शुरू हो जाता है। HDFC डिस्काउंट के बाद तो टॉप मॉडल आपको 16,000 का पड़ा, आई गेस। हाँ, ये आप 16,000 का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपटीशन किस हद तक कस्टमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हैविंग सेड दैट, इस वीडियो में हम करेंगे Realme 3 Pro की अनबॉक्सिंग, एक क्विक सेटअप और एक इनिशियल इंप्रेशन, देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी और चार्जिंग की डिटेल्स भी क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस भी बताई जाएंगी। ये तो था पॉइंट नंबर वन। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा, हम Realme 3 Pro का गिव अवे करेंगे, डेफिनेटली आपको वो भी पसंद आएगा। और जो वेरिएंट हम गिव अवे करने की प्लान कर रहे हैं वो है 6+128 स्पेसिफिकेशंस वाला कार्बन ब्लैक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजिए, और तो और कोई कमेंट हो तो जरूर डालिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये फ़ोन मेरे नाम है, आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है टैग पे। वो बात अलग है कि ये नाइफ मैंने फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदा। तो ये रहा हमारा पैक Realme 3 Pro का। बॉक्स की बात करूँ तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, कहीं पे कुछ नहीं मेंशन अपार्ट फ्रॉम 3 Pro या Realme 3 Pro के अलावा। आपको रियर में दिया जा रहा है 16+5 MP का कैमरा, फ्रंट में 25 MP कैमरा जो कि बहुत बढ़िया है। बैटरी 4045 mAh की है जो कि वो चार्जर के साथ आती है जो कि अमेजिंग है। प्राइस 19,999 का है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे आपको ये 16,999 में मिलेगा एंड रियलमी वेबसाइट पे भी। कंटेंट की बात करें तो फ़ोन, चार्जर, USB डेटा केबल, सिम इजेक्टर टूल, सेफ्टी गाइड, क्विक गाइड और प्रोटेक्टिव केस साथ में दिया है। सर्किट और जी हाँ, अरे ये ठंड का सीना नहीं है, गर्मी है भैया। तो सबसे पहले हमें मिलता है हे वेलकम टू Realme फैमिली, हमारा स्वागत किया जा रहा है। अब इसमें आपको कवर देख सकते हैं, गाइड, आई थिंक इसमें सिम इजेक्टर टूल भी होना चाहिए जो कि नहीं है। खैर चलिए, इसे मैं अभी अलग रख देता हूँ। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इन कवर्स में लगती है कि यहाँ पे आपको एक होजिंग दी जाती है जिससे आपका जैक कवर हो जाता है। तो चलिए इसको यहाँ रखते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से। ये रहा हमारा फोन, वाह क्या बात है। मैं अभी इसको अलग रखता हूँ, आप एक झलक देख सकते हैं, ये येलो एस्थेटिक बहुत बढ़िया लगा मुझे। वाह, चलिए इसको अभी हम इधर रखेंगे। ये किस लिए है, आई थिंक टू सेपरेट, हम इसे अलग रखते हैं। इस कलर को देख के मुझे येलो कलर की लेंसर याद आ गई, या दोस्तों क्या गजब लगती थी। ये है हमारा वोक चार्जर, सीरियसली गाइस इट्स समथिंग। और ये सेम चार्जर है जो आपको वन प्लस 6 या 60 या जो भी मॉडल्स उनमें मिलता है, हम इसे रखेंगे इधर। अब ये रही हमारी केबल, आप देख सकते हैं ये USB टाइप सी पोर्ट के साथ नहीं आता, तो ये नॉर्मल केबल है। तो ये रहा हमारा सिम इजेक्टर टूल। तो ये रैपर हटाते हैं, बहुत ही स्लिपरी हो जा रहा है फोन। अब देख सकते हैं कि लुक बहुत ही अच्छी आ रही थी, मैं एक बार फिट से ये देखिए। और इसीलिए मैंने बोला कि कार्बन ब्लैक कलर बहुत बढ़िया लगता है, देख सकते हैं जो उन्होंने रेसिंग लाइंस का एक जिक्र किया था।
सो फ्रेंड्स अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो कि है इस फोन का गिव अवे। जी हाँ दोस्तों, ये गिव अवे चलेगा एक महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग दिस वीडियो। बहुत आसान है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को हिट करना है, जितनी भी Realme 3 Pro की वीडियोज आएंगी या जितनी भी वीडियोज आएंगी आपको उन्हें देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आपको ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे चैनल को फॉलो करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितने भी कमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं, कमेंट पिकर से हम एक नाम पिक करेंगे, गिव अवे का जो डिक्लेरेशन है वो लाइव होगी और अगर जो जीतने वाला है वो दिल्ली का हुआ तो मैं उसको चैनल पे बुला के इस फोन को अपने हाथ से दूंगा ताकि एक प्रूफ रहे कि हाँ गिव अवे जेन्युइन था। और डेफिनेटली दोस्तों ये जेन्युइन ही होगा, ये मेरी कमिटमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा है अगर वो अचीव होगा तभी ये गिव अवे अग्री होगा, नहीं तो ये गिव अवे कैंसिल स्टैंड करेगा। और वो टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का। जी हाँ दोस्तों, हमने 1,00,000, क्या हुआ सर? हमारे बंटी सर है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1,00,000 ज्यादा है। 50,000 यार, 100 करोड़ की आबादी है हमारी, 50,000 सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, वो भी Realme 3 Pro जो कि मिल नहीं रहा। दोस्तों आप क्या कहते हैं, 50,000 नहीं 20,000? चलिए दोस्तों 21,000। जी हाँ दोस्तों, हमारा टारगेट रहेगा 21,000 सब्सक्राइबर्स का। अगर ये मीट हो गया एक महीने में तो हम डेफिनेटली इस गिव अवे को करेंगे। कंटिन्यू, ओके, स्टार्ट एक्सपीरियंस, यस। तो फटाफट से फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक कर लेते हैं दोस्तों, और इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज करूंगा, मैं इसको यहाँ रखता हूँ अलग से, और इससे हमें पता चल जाएगा जब इस पर लाइट पड़ेगी कि कितनी जल्दी ऑन हुआ है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, देखिए तो बहुत ही क्विक है। सो फ्रेंड्स, इन हैंड फीलिंग की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली ये पॉलीकार्बोनेट है, तो अगर आप इस पर टैप करेंगे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट्स आएंगे, आप देख सकते हैं, पर इतना भी बुरा नहीं है। एक चीज़ जो मैंने नोट करी सबसे पहले, जो अगर आप इस चीज़ को देखें, आप जो ये टेक्सचर है ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है तो इट बिकम्स अ लिटिल ग्रिपी। कुछ फ़ोन्स हैं जो यहाँ पे बहुत ही शाइनी प्लास्टिक देंगे, उसमें फ़ोन स्लिप होने का डर रहता है, तो इसमें स्लिप नहीं होगा। अगर आप वैसे बात करें साउंड क्वालिटी की तो एक बार साउंड भी देख लेते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लाउड है। मैं एक बार माइक इसके पास लेके आता हूँ, फ्रेंड्स आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि साउंड क्वालिटी कैसी रहने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कलर ओएस मिलता है, तो अगर आप ओप्पो वीवो यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लगेगा। हाँ, बट जो स्टॉक एंड्रॉयड वगैरह यूज़ कर लें उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए यहाँ से बाहर आते हैं, करते हैं कैमरा की बात। रियर में आपको कैमरा दिया जाता है 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का और फ्लैश। फ्रंट में आपको दिया जाता है 25 मेगापिक्सल का कैमरा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर टेम्पर्ड ग्लास प्री इंस्टॉल्ड है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं, चलते हैं कैमरा इंटरफेस में। ओके, अभी मैंने फ्लैश ऑन की है अपने फ़ोन की, तो मैं उसे ऑफ करता हूँ और यहाँ पर मैं पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बोके मोड बन रहा है अभी से, क्योंकि ये 1.7 अपर्चर के साथ आता है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ और पिक्चर क्लिक हो गई। अब पिक्चर देखते हैं दोस्तों कैसी आई है, आप देख सकते हैं कि I'll click some more pictures और वो भी अपलोड करूंगा। फटाफट से एक सेल्फी क्लिक करते हैं, तो ये हमने सेल्फी क्लिक करी और देखते हैं, आप देख सकते हैं कि फोटो काफ़ी डिटेल्ड है। अब केबल पे लिखे हुए मैटर पे फोकस कर रहा हूँ और एक बारी इसे भी जूम करके देखते हैं। अब हमने फोकस रखा था इस केबल पे लिखे हुए मैटर का, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही डिटेल्ड है दोस्तों।